नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना डीके। आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अपना देश और खास करके अपना बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे तरह तरह की खेती की जाती है। तो खेती से संबंधित ही आज का वीडियो है। और अभी हम जहाँ पे स्थित है, ये वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड अंतर्गत पीरापुर गांव का दियरा क्षेत्र है। और ये यहाँ पे नदी है, नारायणी नदी के तट पे तरबूज की खेती की जाती है। तरबूज बोले तो वाटरमेलन का। और काफी दिनों से यहाँ पे तरबूज की खेती होती है, तो आज हमें मौका मिला है तो आप सबके बीच मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे तरबूज की खेती की जाती है। जैसे कि ये देख रहे हैं, दरी बोलते हैं, ये दरी है और इसमें अभी बीज डला चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जगह है, ये क्यों घेरा हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक से भी कवर किया गया है। तो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो कवर किया गया है इसके अंदर तरबूज का पेड़ है, छोटी छोटी, जो अभी बीज हाल ही में डाला ही गया है। और इसे इसलिए ये प्लास्टिक से कवर किया गया है ताकि इस पे ये ठंडा का असर ना करे, इसलिए इसे कवर किया गया है। यहाँ पे और भी ऐसे पेड़ है जो ओपन है, ये आप देख सकते हैं। और ये उड़ान इसलिए घेरा गया है ताकि जब तेज हवा बहे तो हवा को रोक सके, हवा उससे टकरा कर ऊपर से निकल जाए और नीचे पेड़ को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और कोशिश करते हैं कि कोई किसान भाई हमें यहाँ मिल जाए कि मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।